नमस्कार दोस्तों, बहुत ही मशहूर फिल्म द कश्मीर फाइल्स लखनऊ में लग चुकी है और हम आए हैं लालबाग के नोवेल्टी सिनेमा में दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो हम फिल्म के हर पहलू पर बात करेंगे, कपिल शर्मा पर बात करेंगे, साथ ही फिल्म के निर्माण पर, अनुपम खेर पर, टैक्स फ्री होने पर। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसको लेकर के हम दर्शकों से आज सवाल नहीं पूछते हैं और फिर देखते हैं कि लखनऊ की जनता द कश्मीर फाइल्स को कितने नंबर दे रही है और किस तरीके से लखनऊ प्रतिक्रिया जता रहा है। बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक फिल्म है। अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं? इसमें दिखाया गया है कि हिंदुओं पर कैसे अत्याचार किया गया और उसके बाद कैसे उन्हीं को ही दोषी ठहरा दिया गया, और जिसे JNU टाइप के बुद्धिजीवी लोग, सेकुलर राक्षस लोग, इन लोगों ने कैसे पीड़ितों पर अत्याचार किया और जिन्होंने अत्याचार किया उनके साथ वो खड़े हो गए। अगर 10 मार्क्स दिए जाएं फिल्म में से तो आप कितने देंगे? 11। और कपिल शर्मा ने मना कर दिया था इसका प्रमोशन करने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, कपिल शर्मा तो वैसे भी मना करेंगे क्योंकि उसमें पैसा सलमान खान का लगा हुआ है, वो तो वैसे पूरा बॉलीवुड कंट्रोल करते हैं। इसके ही जब इन्होंने कहा था विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कि हम बनाएंगे कश्मीरी फाइल्स, तो इससे पहले इन्होंने सिकारा ले आए थे ताकि उसकी जो ब्रांड वाली वो कम करना था, कि मतलब वो फेमस हो रही थी काफ़ी कि कश्मीर पर बन रही थी, इन्होंने सिकारा बनाया। पूरा प्रोपोगेंडा था, कुछ भी उसमें नहीं दिखाया ऐसा जैसा इस मूवी में दिखाया गया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने, कोई ऐसा डायरेक्टर है जो मतलब हम लोग की रियलिटी दिखा रहा है। 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 out of 10, कोई डाउट ही नहीं है। बहुत अच्छी बनी है और पंडित देखो ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है और आतंकवादियों ने बहुत ज़्यादा गलत किया। अब फिल्म नहीं है ये, सच्चाई दिखाई गई है और ये जानना हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी हिस्ट्री को जानते नहीं हैं तो आप अपनी हिस्ट्री को दोहराएंगे, ये फैक्ट है। आपको अपनी हिस्ट्री ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए और किसी की हिम्मत ही नहीं है इस तरह की बात तक करने की। इन्होंने मूवी बना के बहुत हिम्मत दिखाई है, कोई बात तक नहीं करता। सोचिए, सब कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं तो ऐसे ही लाखों लाखों कश्मीरी पंडित जो है आके रहने लगे। बहुत अच्छी पिक्चर थी, मैं कहता हूँ सबको देखना चाहिए। इससे बहुत पुराना एक जो झूठा नैरेटिव क्रिएट किया गया था वो आज 32-30 साल बाद जाके एक्सपोज हुआ है। सर, मूवी बहुत अच्छी थी, 10 में 10 पॉइंट हम इसको देंगे। और कश्मीर फाइल जो पिक्चर बनाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि कश्मीर पंडित कैसे पलायन किए, कैसे उनके ऊपर अत्याचार किया गया है और पूरी सच्चाई दिखाई गई है उस पर। देखिए, मैं 10 out of 10 दूंगा क्योंकि ये मूवी कोई स्टोरी बेस्ड नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड है। जो वहाँ पे हुआ वो इसमें दिखाया गया है, वो भी कम्प्लीटली नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो ऐसी हैं जो शायद बताने या सुनने में भी बुरी लगती हैं। तो इसमें जो भी दिखाया गया है वो रियलिटी बेस्ड है, कोई स्टोरी नहीं है, इसलिए 10 out of 10 दे रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छी। क्या चीज़ खास आपको इसमें अपील कर रही है? इसमें ये दिखाया जो दुष्कर्म किए गए कश्मीर में, वो मुझे देख के प्रभावित किया दिल में कि कितना बुरा हो चुका है इस दुनिया में और हमें पता भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि इससे पहले हम जंग में थे। जब जंगम हुआ तो अब ये देखने मिल रहा कि इतना दुष्कर्म हो चुका है। बहुत से संगठन इसको टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इसको होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। फिल्म सर बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से हर एक नागरिक को पिक्चर देखना चाहिए, चाहे वो यूथ हो चाहे हमारे बुजुर्ग हों, क्योंकि हमको पता चलेगा कि कश्मीर का असली इतिहास क्या है, किन लोगों को पीड़ित किया गया है। और जिस तरह से अनुपम खेर ने इस मूवी को दिखाया है, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, मेरे ख्याल से उनसे अच्छा इस मूवी में कोई रोल अच्छा नहीं कर पाया। वो खुद पीड़ित है वहाँ के पंडित थे, तो पंडितों को और हिंदुओं को जितना वहाँ पे मतलब ये झेलना पड़ा है, ये सारी चीज़ें फिल्म में दिखाई गई हैं, ये सब चीज़ें उसमें देखने को। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, हिंदुत्व की सरकार पूर्ण बहुमत से आई है, युवाओं ने बहुत बड़ी मात्रा में वोट किया उनको, इस फिल्म के साथ अगर रिलेट करके देखा जाए तो कैसी लग रही है सरकार आपको? सर, सरकार हम लोग को बहुत अच्छी लग रही है, योगी जी का शासन हम लोग को पसंद आया, इसीलिए हम लोग दोबारा उनको लेके आए हैं। हिंसा एक तरफा हिंसा थी, मैं कहूँगा हिंसा का मतलब यही होता है कि जब एक पक्ष को लगातार दबाया जा रहा हो, बहुत बुरी तरह से दबाया जा रहा हो और सरकार या जो भी पावर में है वो उसका सपोर्ट कर रहा हो, उसको हिंसा कहते हैं, जो इसमें हम लोगों ने साफ तौर पे देखी है। हिंदुत्व को दिखाया गया है फिल्म में और हिंदुत्ववादी सरकार है, इन दोनों को अगर रिलेट किया जाए तो क्या कहेंगे? देखिए, रिलेट करने का मतलब मैं यही कहूँगा, देखिए अभी कश्मीरी पंडितों को जैसे न्याय मिला है वैसे ही हिंदुओं के कई और मसले हैं, उसको जोड़ के क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा सरकार ने काम इस पर बहुत अच्छा किया है और मूवी में जो दिखाया गया है कि अगर 370 ना होती पहले से तो ये चीज़ कभी ना होती।